नमस्कार दोस्तों, यदि आप छुट्टियों में सिंगापुर जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा समय है। 8 या 10 दिनों के अंदर आप सारा सिंगापुर घूम सकते हैं। वैसे तो घूमने के लिए सिंगापुर में कई जगह हैं, इंटरटेनमेंट और एट्रैक्शन की कई जगह हैं, जैसे सिंगापुर फ्लायर, आर्ट साइंस म्यूजियम, सिंगापुर नाइट सफारी, सिंगापुर केबल कार, सिंगापुर जू, सी एक्वेरियम, गार्डन बाय द बे, यूनिवर्सल स्टूडियो, एयरपोर्ट, स्काई पार्क, ऑब्जर्वेशन डेक, मैरिलिन पार्क और सेंटोसा आइलैंड। इसमें सबसे अलग जगह है, वो है स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक। यदि आप सिंगापुर का सारा नज़ारा एक ही जगह से देखना चाहते हैं तो आपको सैंड स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक जरूर जाना चाहिए। ऑब्जर्वेशन डेक मरीना बे सैंड्स होटल के ऊपर है। यदि आप ऑब्जर्वेशन डेक तक जाना चाहते हैं तो आपको होटल के टावर नंबर 3 के नीचे आना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन डेक का रास्ता टावर नंबर 3 के एंट्रेंस के लेफ्ट हैंड साइड से है। लेफ्ट हैंड साइड से जब आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको एक एलिवेटर मिलेगा। इस एलिवेटर से आपको नीचे बेसमेंट में जाना होगा। यहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना होगा और आपको अपना ऑनलाइन टिकट चेक करवाना है। आगे आपको एक लिफ्ट मिलेगी। इस लिफ्ट से होकर आपको 56 फ्लोर पे जाना है। आप मात्र 10 सेकंड में 56 फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। आगे बढ़िए, ऑब्जर्वेशन डेक आपके सामने है। यहां से आपको सिंगापुर का पूरा नजारा देखने को मिलेगा। यहां ऑब्जर्वेशन डेक पर कुछ लोग आपको एक छोटी मोटी पिकनिक भी मनाते हुए नजर आएंगे। ठंडी हवाएं और खूबसूरत नजारा आपका मन मोह लेगी। ऑब्जर्वेशन डेक से आप सिंगापुर के चारों तरफ का नजारा देख सकते हैं।